hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि जिसमें आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप अपने गियर बॉक्स में कैसे स्पीड को बढ़ा सकते हो और कैसे जो टॉर्क होता है, जो पावर होता है, उसको कैसे बढ़ा सकते हो। मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि मैं अगर किसी गियर बॉक्स में स्पीड बढ़ाना चाहूँ या फिर ताकत बढ़ाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है मेरे गियर बॉक्स में जो मैंने खुद से बनाकर अपलोड किया था, तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो मैं आज उसी टॉपिक पे आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप किसी गियर बॉक्स में गियर्स का अरेंजमेंट करके उसके स्पीड्स को, उस पेज के टॉर्क को कैसे बढ़ा सकते हो, उसके ताकत को कैसे बढ़ा सकते हो, और ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि उसका जो पावर है वो कितने लोड को खींच पाएगा। ये सब चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको आंसर करूँगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूँगा कि कैसे गियर बॉक्स का स्पीड बढ़ता है और कैसे ताकत बढ़ता है। तो यहाँ पर दो टाइप के गियर बॉक्स रखे हुए हैं, इन्हीं दोनों में से किसी एक की मदद से आपको मैं अभी दिखा दूंगा कि कैसे आप स्पीड बढ़ा सकते हो और इसका स्पीड को कम करके ताकत को कैसे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक साइड हमारा ड्रिल मशीन लगा हुआ है अभी इसको रन कराने के लिए। तो छोटे गियर के साइड हमारा ड्रिल मशीन लगा हुआ है, उसका स्पीड आप देख सकते हो कितना है, और जो बड़ा गियर है उसका स्पीड देख सकते हो कितना है। तो इससे आप समझ सकते हो कि जब हम स्पीड ज़्यादा देते हैं और ताकत बढ़ाते हैं तो आउटपुट का जो स्पीड है वो कम हो जाता है, लेकिन उसका ताकत जो है वो बढ़ जाता है। तो इसके रनिंग सिस्टम को आप देख के, यहाँ पर हमारा ड्रिल मशीन लगा हुआ है और ये ऐसे चल रहा है। अब आपको आगे मैं दिखाऊँगा कि स्पीड कैसे बढ़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने अपोजिट साइड लगा दिया ड्रिल मशीन को, तो अपोजिट साइड जो बड़ा गियर है उसका स्पीड देखो कितना कम है, यहाँ पर जो ड्रिल का से जो कनेक्टेड है, और जो आउटपुट में जो छोटा गियर है उसका स्पीड देखो कितना ज़्यादा है। तो ऐसे हम इसका स्पीड बढ़ाते हैं ऐसे गियर अरेंज करके, इनपुट में बड़ा गियर रहता है, आउटपुट में छोटा गियर रहता है, ऐसे हम करेंगे तो हमारा स्पीड बढ़ता है, लेकिन जो ताकत होता है, जो टॉर्क होता है, जो पावर होता है वो कम हो जाता है ऐसे सिस्टम्स में। जहाँ हम RPM बढ़ाने की बात करते हैं वहाँ हमारा पावर जो है वो डाउन हो जाता है, लेकिन अगर इसी को हम अपोजिट कर देंगे, छोटे गियर साइड को ड्रिल मशीन से कनेक्ट कर देंगे और बड़े गियर जो है उसको खाली छोड़ देंगे, तो हमारा ताकत बढ़ेगा और स्पीड डाउन हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो ऐसे आप समझ सकते हो। आगे मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बताऊँगा कि कितना बड़ा गियर कहाँ पर लगाना चाहिए और उससे कितना ताकत या कितना स्पीड बढ़ेगा। तो आगे देखते हैं। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे आप किसी भी गियर्स के अरेंजमेंट के थ्रू, मतलब उन लोगों को, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे गियर्स रखे हुए हैं, इनको अगर आप कैसे आप जमाओगे किसी भी गियर बॉक्स में तो आपका जो है ताकत हो या फिर जो स्पीड हो वो कैसे बढ़ेगा, कम होगा, ये सब चीज़ आज मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये साइज़ में पहले बता देता हूँ कि ये साइज़ में बड़ा गियर है, ये थोड़ा उससे छोटा है, और ये जो तीनों हैं आपस में लगभग एक गियर का डिफरेंस है तीनों में, बाकी ये लगभग सेम है। और ये जो गियर है ये जो छोटा वाला गियर है ये सबसे छोटा गियर है, और ये जो है सबसे बड़ा गियर है। तो आपको मैं पहले बताऊँगा कि कैसे स्पीड को बढ़ाते हैं किसी भी गियर्स के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गियर का एक नियम है, उसको आप लोग पहले ही समझ लो कि जो आपका गियर बॉक्स में जो भी गियर लगे रहते हैं उनका एक नियम होता है कि अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो आप अगर स्पीड बढ़ाओगे किसी भी गियर बॉक्स में तो उसका जो ताकत है वो कम होता है, और अगर आपको ताकत बढ़ाना है तो आपका स्पीड जो है वो डाउन हो जाएगा। तो ये होता है, ये आपस में अपोजिट रहता है, अगर आपको ताकत बढ़ाना है, आप अगर ताकत बढ़ाओगे तो स्पीड कम होगा, और अगर स्पीड बढ़ाओगे तो ताकत कम होगा, तो ये इसका नियम रहता है। तो अभी मैं आपको स्पीड के बारे में बताऊंगा कि स्पीड कैसे बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा एक बड़ा गियर है,
इनको अभी साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर इसको हम आपस में ऐसे अरेंज कर देते हैं, ये आपस में जुड़ गया, ये घूमेगा तो उसके साथ साथ ये वाला गियर भी घूमेगा। तो अब हमें स्पीड बढ़ाना है, तो जैसे हमें स्पीड बढ़ाना है तो जो हमारा इनपुट गियर रहेगा वो बड़ा होना चाहिए। जैसे ये इनपुट मान लिए इसको, और जो आउटपुट गियर है जहाँ से हमें स्पीड को बाहर लेना है, जैसे कि अगर आपको कोई फ़ैन लगाना है तो फ़ैन के लिए आपको स्पीड चाहिए, तभी आपका जो हवा है वो अच्छे से आएगा। तो अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो फ़ैन का जो शाफ्ट होगा जिसमें फ़ैन लगेगा वो लगेगा यहाँ पर, और जो मोटर होगा वो लगेगा यहाँ पर। तो जिससे होगा क्या, मोटर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, मोटर इसको घुमाएगा, फिर ये इससे जुड़े होने के कारण ये घूमेगा। तो RPM का क्या रूल है, पहले हमें गियर रेशियो निकालना पड़ेगा कि ये कितना राउंड घूमेगा तो ये कितना घूमेगा। तो एक अनुमानित मान लेते हैं, ये है हमारा 10 दांत का, मतलब जो ये इसके ऊपर जो टीथ बने हुए हैं इसको टीथ बोलते हैं। इसमें जो आप देख सकते हो ब्रैकेट जो बने हुए हैं इसमें दांत टाइप के, वो उसे टीथ बोलते हैं। तो इसमें 10 मान लेते हैं और इसमें 30 मान लेते हैं। तो इसका रेशियो कैसे निकलेगा, रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये है, इसमें 30 दांत मान लेते हैं, तो 30 डिवाइडेड बाय, और इसमें कितना है, 10 है, तो 10 हम 30 बाई 10 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 0 0 कैंसिल हो गया, तो 3:1, मतलब इसमें जब ये गियर घूमेगा, एक राउंड जब ये घूमेगा तो इसके एक राउंड घूमते तक ये वाला जो हमारा गियर है वो 3 राउंड घूम चुका रहेगा। तो उसी चीज़ को अगर हम RPM में अगर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर अगर इसका RPM हम 1000 RPM मान लेते हैं, तो 1000 × 3 करेंगे, क्योंकि ये एक राउंड में इसके एक राउंड घूमते तक ये 3 राउंड घूम रहा है, इसलिए इसको इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 × 3 कर लेंगे तो 3000 RPM हमारा निकल जाएगा। RPM मतलब रोटेशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में ये कितना राउंड घूम रहा है। तो अगर ये 1000 RPM में घूमेगा तो ये हमारा जो है, ये जो छोटा गियर है वो 3000 RPM में घूमेगा, क्योंकि इसका रेशियो 3 है। तो इस तरह आप RPM निकालते हैं। अब हमें ताकत बढ़ाना है किसी गियर बॉक्स का, तो कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास काफ़ी सारे गियर यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये देख सकते हो, ये छोटा गियर है, ये बड़ा गियर है। तो जैसा कि मैंने आपको स्पीड में बताया, तो उसका ही अपोजिट आपको ताकत बढ़ाना है तो करना पड़ेगा। तो जैसे हमें इसको अगर स्पीड में, जैसे मैंने बताया था इसमें मोटर लगाए थे तब जाके हमारा स्पीड बढ़ा था, बड़े गियर में लगाए थे। तो अब हमें क्या करना है, ताकत बढ़ाना है, तो हमें छोटे गियर में मोटर हो चाहे इंजन हो, जहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं, मतलब इनपुट पावर जहाँ से ले रहे हैं उसमें छोटा गियर लगाना पड़ेगा, और आउटपुट में बड़ा गियर लगाना पड़ेगा। तो तब जाके हमारा जो है, जो इनपुट का ताकत है वो इस गियर अरेंजमेंट के थ्रू आउटपुट में बढ़ के मिलेगा। तो कितना बढ़ेगा अब ये समझना है। तो यहाँ पर अगर मैं बता रहा था, जैसे आपको पहले बताया मैंने, हमें इसको एक अनुमानित मान लेते हैं कि इसका 10 दांत है और इसके 30 दांत है। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं इसमें हमें 10 न्यूटन का ताकत मिल रहा है इनपुट में, चाहे वो मोटर से हो चाहे इंजन से हो, तो हमें यहाँ पे 10 न्यूटन का पावर यहाँ पे मिल रहा है, तो आउटपुट में कितना मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा मान लेते हैं इसको 30 दांत का है और ये 10 दांत का, तो इसका रेशियो 3:1 निकला। तो 3:1 में ये क्या होगा, हम अगर यहाँ पर जो 10 न्यूटन का ताकत दे रहे हैं मोटर या इंजन के थ्रू, तो ये 3 गुना बढ़ाकर निकालेगा 3:1 में, क्योंकि ये जो हमारा ये जो गियर है वो 3 राउंड घूमेगा, तब जाके हमारा ये 1 राउंड घूम जाएगा। तो उसमें क्या होगा, अभी यहाँ पर हमारा इनपुट में छोटा गियर है इसलिए ताकत बढ़ेगा, क्योंकि इसके आउटपुट में बड़ा गियर लगा है। तो ताकत कितना बढ़ेगा, तो जैसे इसका रेशियो 3 निकला है, तो उसको हम मान लेते हैं इसका जो मैंने कहा था 10 न्यूटन का इसमें इनपुट मिल रहा है, तो 10 × 3 करेंगे तो ये हमारा 30 न्यूटन आ जाएगा। मतलब कि इस गियर सिस्टम में हमारा जो 3 गुना ताकत बढ़ रहा है, तो जो हमारा इंजन से जो भी मोटर से या इंजन से जो ताकत आ रहा था वो ये गियर लगाने के बाद 3 गुना बढ़ के मिलता है।
तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी ताकत को, गियर बॉक्स में कितना ताकत मिल रहा है हमें आउटपुट में, उस चीज़ को हम ऐसे कैलकुलेट